संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए फूल व्यवसायी व खरीदारों ने बताया है ठीक ठाक है, पर सबसे थोड़ा कमी है। अगले साल अधिक होता था, इस बार थोड़ा सा हल्का है। पब्लिक उतना महंगा फूल खरीद नहीं रही है, खरीद रही है हल्का। अगर रेट की बात करें तो क्या रेट है हमारे? रेट अगले जिस तरह अगले साल था रेट, उसी साल इस तरह भी है। उसके बाद कस्टमर आने लगे, लेकिन अब थोड़ा सा परेशानी है, प्रॉब्लम है लोगों को कोरोना काल की वजह से, पैसे की वजह से, इसलिए उतना बाजार मार्केट में कुछ बिक नहीं रहा है। बहुत हल्का है, बहुत बेचने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है इस बार फूल की। अगले साल से कुछ अधिक इस साल बेच रहे हैं लोग। फूल माला वगैरह खरीदना है पूजा के लिए, तो क्या लगा रेट को लेके? क्या लगा आपने रेट को लेके? ठीक ही है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। लास्ट ईयर भी उतना ही रेट था, बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन क्वांटिटी कम करनी पड़ रही है क्योंकि बजट डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए जितना पहले लगाते थे अब उसके हिसाब से थोड़ा कम लगाएंगे। सर कोई दम है नहीं, और कोरोना आना के चक्कर में ये सब इस सब कुछ दम नहीं है। देख आप देख ही रहे हैं, सब सन्नाटा है, बाजार भी एकदम खाली समझ लीजिए। नहीं तो इस समय दिवाली का समय रहता था, बहुत भीड़ लगता था, सब जाम लग जाता था टाउन हॉल पे, सब खाली है इस समय। इस समय सर फूल कई रेट का बिक रहा है, 30 रुपये पीस बिक रहा, 40 रुपये पीस बिक रहा, 35 रुपये पीस बिक रहा। कस्टमर अब सर महंगाई की वजह से, महंगाई की सबकी मार है, बताइए। अभी भी 80 रुपये 100 रुपये गोभी बिक रहा है, 40 रुपये किलो आलू। तो यही नहीं है, फूल ही में नहीं है, सब चीज़ पर महंगाई मार जा रही है। इसको 10 लेना चाहिए, वो 2 ही में काम चला रहा है। तो इतना माल आपने लिए, अगर बिक्री नहीं होता तो सर क्या क्या? एक दिन का दुकानदारी है, लक्ष्मी पंडाल में दे देंगे सजा के, अपना क्या किया जाएगा। अब धंधा तो कोई जरूरी धंधा तो करवा ही करेगा, एक दिन का त्यौहार है तो लगा कुछ मिल ही जाएगा।